जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप लोगों को अगर आवाज़ आ रही है तो कमेंट भी कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। आज मेरे साथ राबिया हैं और इनको गुफ्तगू करनी थी सबकॉन्शियस के ऊपर। मैं कोई सब्जेक्ट का स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, मुझे हैरानी परेशानी हुई कि इन्होंने कहा कि आपसे बात करनी है इस पर, तो मैंने कहा कुछ मैं भी सीख लूंगा। जी राबिया हाजिर। आपको सबकॉन्शियस ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम लोग बहुत कम बात करते हैं। 99% तो बात ही नहीं करते, सो आई थॉट कि इसके बारे में बात होनी चाहिए। सो सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि हम बिलीव्स क्या होते हैं, स्टेप बाय स्टेप फिर हम उसको सबकॉन्शियस की तरफ लेके जाते हैं। बिलीफ वो होते हैं जो कि आपको यकीन होता है किसी चीज़ के ऊपर, और उस चीज़ के ऊपर यकीन होता है जो आप बार बार सुनने लगते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप मुझसे कहेंगे कि सबकॉन्शियस क्या होता है, तो जो मैंने 10 दफ़ा बात सुनी है और कुछ एक्शन भी करके देखा है, और ये लगता है डेटा हमारा, जो छोटा छोटा डेटा होता है हमारे पास कि ये ऐसा ही होता है, तो उसके नतीजे में हम कहते हैं कि ये हमारा बिलीफ है। मिसाल के तौर पर अब मेरा बिलीफ है कि आज से 2030 तक हर पाकिस्तानी 1 लाख रुपए महीना कमाना शुरू कर देगा, तो ये मेरा बिलीफ है। बिलीफ कहाँ से आता है? बिलीफ जो है वो आप एक चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं, डेटा जमा करते रहते हैं, काम करते रहते हैं, लोगों से समझते रहते हैं, फीडबैक लेते रहते हैं, तो आपका बिलीफ बन जाता है। 99% मुसलमानों का बिलीफ होता है कि जन्नत है, तो बचपन से सुनते हुए आ रहे होते हैं, बार बार सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, दिन में 5 दफा दुआ मांगते हैं, बिलीव बन जाता है कि हाँ ऐसा ही होता होगा। तो ये बिलीफ आप उसके ऊपर जब बिलीफ इतना पुख्ता हो जाता है कि उस पर बात भी ना कर सकें, तो वो सही नहीं है। लेकिन ये कि बिलीफ यही होता है कि यकीन है कि हाँ ऐसा ही होता है। यकीन कह लें उर्दू में, वो अंग्रेजी में बिलीफ कह लें। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि बंडल ऑफ बिलीफ सिस्टम जो होता है, बिलीफ सिस्टम हमारा बिलीफ बन जाता है। जिन चीज़ों को हम कंटिन्यूसली सुनते रहते हैं और जिन पे यकीन रखते हैं वो बिलीफ होते हैं। जिस चीज़ पे यकीन करते हैं वही तो यकीन होता है। वैल्यू सिस्टम अलग चीज़ होती है, बिलीफ सिस्टम कुछ और चीज़ होती है। बिलीफ सिस्टम के तहत बिलीफ बनाया गया ना कि भाई आपने, आपके सारा घर जो है मुसलमान सिस्टम में है, सुन्नी सिस्टम में है, XYZ मजहब को फॉलो करता है, तो पूरा घर आपको पीछे पड़ा रहेगा, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, ऐसे गलत नहीं करो, ऐसे नहीं करो ऐसे नहीं करो, तो उस वो वैल्यूज देता है। मुंह ढकना अच्छी वैल्यू है, मुंह खराब ढकना ही ढकना खराब वैल्यू है, रोजा रखना अच्छी वैल्यू है, रोजा ना रखना खराब वैल्यू है, नमाज पढ़ना अच्छी वैल्यू है, नमाज नहीं पढ़ना खराब वैल्यू। तो ये वैल्यू सिस्टम, किसी चीज की कदर ज्यादा की जाती, किसी चीज की कदर कम की जाती है। तो जैसे जैसे जिस चीज को आप ज्यादा अच्छा समझते हैं, अच्छा कैसे, अच्छा क्या होता है? एक आदमी काली कॉफी पीता है, एक आदमी गोरी कॉफी पीता है, दोनों अच्छी हैं। एक आदमी को एक पसंद है, एक आदमी को एक नहीं पसंद है। क्यों नहीं पसंद है? इसलिए कि वो उसको ने एक चीज की आदत डाल ली, दूसरे ने दूसरी चीज की आदत डाल ली। अब आ जाता है आदत क्या होती है। आदत वो चीज होती है जो आप करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, और वो आप आदत बन जाती हैं, और आदतें जो हैं आपके अंदर, जो कुछ भी आप आदतन कर रहे हैं, हम उर्दू आदतन बोल रहे हैं, हम कोई जापानी बोलेंगे तो हमें सोच सोच के बोलना पड़ेगा, जो चीज़ सोच के करनी पड़ी वो आदत नहीं है, जो चीज़ खुद ब खुद हो रही हो वो आदत है। टाइपिंग कर रहे होते हैं जो लोग, वो खुद ब खुद कर रहे होती हैं, उंगलियां सोच के थोड़ी कर रहे होते हैं, खुद ब खुद उंगलियां चलने लगती हैं। जो लोग गाड़ी चला रहे होते हैं, खुद ब खुद चल रही होती है। प्रोग्रामिंग कर देते हैं हम सब कॉन्शियस को, कॉन्शियस के बाहर जाके ये जो आगे का फ्रंटल कोर्टेक्स वाला जो हिस्सा है, जो नया ब्रेन है इंसान का, वो जो ब्रेन है उसके पास वो रैम की तरह होता है। मोबाइल फोन के अंदर रैम होती है और रोम होती है, और एक और होती है हार्ड मेमोरी, यानी जो रोम है रीड ओनली मेमोरी होती है, रैम जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, रैंडमली एक्सेस की जा सकती है। रोम जो है वो प्रोग्राम हो जाती है एक दफा और फिर चेंज नहीं होती।
फिर उसके बाद एक और मेमोरी होती है फोन के अंदर, आजकल जो फोन आ रहे हैं वो तीसरी मेमोरी होती है, कि एक तो आप सिंपल फोटो रखने के लिए रखते हैं, दूसरा ऑपरेट एक और मेमोरी भी उसके अंदर वो लगा के रखते हैं। तो इंसानों में भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है कि हम इंसान को अच्छी तरह से जानते ही नहीं है, वी डोंट एक्चुअली अंडरस्टैंड कि हम कैसे काम करते हैं, हमारा जो दिमाग है वो कैसे काम करता है, हमारा जो हमारी जो रूह है वो कहाँ है, कहाँ स्टोर हुई है, किसी को ही मालूम अंदाजा है ना, किसी के पास ठोस सबूत नहीं है कि रूह जो है वो दिल में है, दिमाग में है, अल्लाह मियाँ के पास है, वायरलेस एंटेना लगा हुआ है हमारे अंदर जो कम्युनिकेट कर रहा है रूहों तक, सब कॉन्शियस यहाँ है या कहीं और स्टोर हुआ है। जैसे आपकी जो जीमेल आप चला रही होती हैं, तो जीमेल की ईमेल आपके स्क्रीन पे नजर तो आ रही है लेकिन एक्चुअली तो वहां नहीं होती, जितनी जीमेल की ईमेल आप देख रहे होते हैं वो कुछ भी आपके कंप्यूटर में नहीं है, एक्चुअली सब कुछ सर्वर में से नजर आ रहा है। जितनी फेसबुक पे तस्वीर देख रहे हैं वो हमारे पास नहीं है, वो सर्वर पे से नजर आ रही है, लेकिन हमें लग रहा है कि सामने, तो हमें ये भी नहीं पता कि हमारी रूह जो है वो यहाँ है या कहीं और है, हम रिमोट कंट्रोल तरीके से चल रहे हैं, हमें ये भी नहीं पता, हमें तो कुछ भी नहीं पता अपने बारे में, हमें तो ये भी नहीं पता कि हम जिस रियलिटी में रहते हैं ये ख्वाब है या हकीकत है, हो सकता है हम सो रहे हो और हमें लग रहा है ये सब सही है, ठीक है ना। फिर हमारे पास निशानियां हैं, यकीन नहीं है, निशानियां, निशानियां क्वांटम फिजिक्स की निशानी, वो कहता है कि जब आप माइक्रोस्कोप से जाते रहते हैं जाते रहते जाते रहते हैं, तो पता चलता है एटम्स आ गए हैं वो यहाँ है ही नहीं, कुछ नहीं है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी है बस, तो ये भी असली नहीं है। अब किसकी बात माने और किसकी बात नहीं माने, क्या माने और क्या नहीं माने, तो हकीकत अच्छा क्या है तो भाई, अभी किसी को जन्नत पे रह पता रहे हैं नहीं हम, है। हाँ जी, क्या पता अभी हम लोग जन्नत में रह रहे हैं। हो सकता है हम अभी जन्नत में, हो सकता है जहन्नम में हो, क्यों पता नहीं कहाँ है, हो सकता है सब सो रहे हो सकता है सिमुलेशन हो सकता है एलियंस जो है हमको एक गेम की तरह खेल रहे हो सकता है कि खुदा हम हु नोस के एक्चुअली क्या हो रहा है। तो सिमुलेशन थ्योरी अगर आप पढ़ें यूट्यूब करें तो आपको अंदाजा होगा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम जो कुछ कर रहे हैं हम सिमुलेशन है, हम है ही नहीं असली में, जिस तरह से कंप्यूटर के अंदर सिमुलेशन में हम गेम खेल रहे होते हैं, बंदा मर रहा होता है, क्रिकेट खेल रहे होते हैं, सॉकर खेल रहे होते हैं, बंदा गोल कर रहा होता है, जीत रहा होता है, हो सकता है कि कोई एलियंस ने हमको बनाया हो और हम सिमुलेशन हो, उसके लिए कोई प्रॉब्लम एल्गोरिदम सॉल्व करने के लिए यहाँ पे आए हों, कि दुनिया में अमन कैसे कायम होता है, गेम हो उसका गोल ही है, जिससे पूछो वो चाहता है अमन, अमन कायम होना चाहिए, प्रॉस्पेरिटी होनी चाहिए, जिससे पूछो किसी से भी पूछ लो, अगर कोई बम से उड़ाने वाला आदमी ना वो भी कहेगा मैं तो चाहता हूँ अमन हो, इसलिए तो उड़ा रहा हूँ मैं, अमरीका हमला करता है इराक पे, कहता है अमन चाहते हैं इसलिए तो हमला कर रहे हैं, जाके लोग हम सब लोग सेफ हो जाए दुनिया में, खराब लोग खत्म हो जाए, खराब क्या होता है, तो खराब क्या, खराब यही होता है कि जो बचपन से उसने सुना कि ये खराब है वो खराब है, जो बचपन से सुना, बचपन से एक औरत कह रही है अमेरिका में होती है, वो कहती है नकाब पहनना खराब बात है क्योंकि आप औरत की साथ जुल्म कर रहे हैं, उसका मुंह ढकवा रहे हैं, और यहाँ पे औरत कह रही है नकाब मेरी शान है क्योंकि ये मेरी अजमत है, मैं तो बहुत खुशी से पहन रही हूँ, मेरी डिग्निटी है ना। तो अब ये सिर्फ दोनों की प्रोग्रामिंग का फर्क है, सॉफ्टवेयर का फर्क है, हार्डवेयर तो सेम सबका, हार्डवेयर से मैं दो आंखें हैं एक नाक है, उसी डायमेंशन में टाइम में हम रह रहे हैं 24 घंटे में। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ईगो कहाँ पे अपना रोल प्ले करती है, ईगो है क्या एक्चुअली? अगेन मैं आपको वो बताऊंगा जो मेरी समझ में आया है, ये जितनी भी हम बातें कर रहे हैं इसका कोई प्रूफ नहीं है मेरे पास, ठीक है। ऐसे ही मैं अपनी जिंदगी कैसे जीता हूँ वो बता सकता हूँ ना, असली तो क्या है हु नोस। तो ईगो मेरे हिसाब से एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की तरह होता है, उसका जॉब ये होता है कि आप कोई भी नया आइडिया अंदर नहीं आने दें, वो प्रोटेक्ट करने के लिए बैठा हुआ है कि जैसे ही कोई नया आइडिया दिमाग के करीब आता है वो अलार्म बजना शुरू हो जाता है, पोंप 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 पोंप, दूर रहो खतरा है खतरा है खतरा है, भाग जाओ यहाँ से, लड़ो इससे या भाग जाओ इससे। और जिस तरह से एंटीवायरस में आता है भाई ये नई वेबसाइट है इसमें से कुछ डाउनलोड हो रहा है, मैं इजाजत देंगे तो डाउनलोड करूंगा, इजाजत नहीं देंगे तो डाउनलोड नहीं करूंगा, तो ये ईगो होती है मेरे ख्याल में, और ईगो बहुत काम की चीज़ होती है। अगर आप में ईगो ना हो और ये एंटीवायरस ना हो तो आप कल आप किसी क्रिश्चियन से मिलेंगे वो आपको आधा घंटे क्रिश्चियनिटी के बारे में बताएगा, तो आप मुसलमान की सब चीज़ छोड़ के कल क्रिश्चियन बन जाएंगे,
परसों हिंदू से मिलेंगी तो आप हिंदू बन जाएंगी, तरसों आप किसी और मजहब वाले से मिलेंगी वो बन जाएंगी, क्योंकि आप नए आइडिया को आराम से एक्सेप्ट कर रहे हैं। ईगो कहता है नए आइडिया को एक्सेप्ट ना करो। उसका नुकसान क्या होता है कि हम हमारे जो दूसरे लोग हमसे लड़ रहे हैं या जो दूसरे लोग हमसे नाराज हो रहे हैं या हमारी आइडियोलॉजी नहीं समझ रहे या हमारे आइडिया नहीं समझ रहे हमारे गोल नहीं समझ रहे, वो इसलिए नहीं समझ रहे कि उनकी ईगो इजाजत नहीं दे रही कि नया आइडिया सुनो, रिजेक्ट कर देता है नया आइडिया को। फौरन इंसान रिजेक्ट कर देता है, ये हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। तो यही गो होती है। हमारे जो दो तरह से हमारा माइंड काम करता है, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, और एक होता है अनकॉन्शियस माइंड। तो इन तीनों की क्या, आप क्या समझते हैं, इनकी क्या डेफिनेशन है? अनकॉन्शियस हो या सबकॉन्शियस हो, दोनों एक ही हैं मेरे ख्याल में। सही, और कॉन्शियस ये कि आप ये काम कॉन्शियसली कर रहे हैं। एक आदमी शराब पी लेता है तो अब एक और माइंड खुल जाता है और वो नशे की हालत में आ जाता है, तो एक और दिमाग यही होता है, ऑन होता है फ्रंटल कॉर्टेक्स, लेकिन अब वो नशे की हालत में है तो वो एक और मोड में चला जाता है और उस मोड में वो किसी और तरीके से उसके जो वैल्यू सिस्टम था वो चेंज हो जाता है। उसको जिस चीजों से डर लगता था वो किसी से डर नहीं लगता था, जिन चीजों से जिनसे वो बात नहीं कर सकता था उनसे बात कर लेता है। इसी तरह से एक आदमी भूख में है, आपका बच्चा है भूख में है, नॉर्मल बैठा हुआ है, भूख लगना शुरू हुई चीखे मारना शुरू कर देगा, भूख में चीखे मारना शुरू कर देगा, वही बच्चा कंट्रोल से बाहर हो जाएगा अगर वो भूख में आ जाएगा तो। एक आदमी बहुत तकलीफ में है, पेन में है, वही इंसान होगा चेंज हो जाएगा। एक आदमी बहुत शहवत में है, वही इंसान होगा बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा, वो कंट्रोल से बाहर हो जाएगा, वो चीजें करेगा जो उसके समझ से टोटली बालातर है कि मैं क्या कर रहा हूँ ये मुझे समझ नहीं आ रहा। तो ये मोड्स होते हैं दिमाग के, जैसे आप मोबाइल फोन पे डार्क मोड होता है या वाइट मोड होता है, बैटरी सेविंग मोड होता है, तो रूल्स चेंज हो जाते हैं गेम के। तो इसी तरह से क्योंकि हमारा दिमाग केमिकल है और केमिकल केमिकली सारी चीजें चल रही हैं तो केमिकल्स रिलीज होते हैं, और डिफरेंट केमिकल्स रिलीज होने की वजह से इंसान रियक्ट डिफरेंट तरीके से करता है। आजकल रमजान है, रोजे से पहले दिमाग बिल्कुल अलग स्टेट में होता है, रोजा खुलने के बाद खाना आ जाता है पेट में, दिमाग का स्टेट चेंज हो जाता है, 2 घंटे के बाद फिर दिमाग का स्टेट चेंज हो जाता है। तो दिमाग कंट्रोल से बाहर हो जाता है क्योंकि उसको समझ ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, क्योंकि हमने उसकी आदतें चेंज कर रहे होते हैं। जितनी भी चीजें अपनी लाइफ में फेस करते हैं, वो सब कुछ हम जितनी चीजें अपने सबकॉन्शियस में स्टोर करते हैं, तो उनके हम रिजल्ट्स देखते हैं। अगर हम अच्छा सोचते हैं तो अच्छा होना शुरू हो जाता है, बुरा सोचते हैं तो बुरा होना शुरू हो जाता है। तो ऐसा कैसे हो जाता है? ऐसा इसलिए होता है कि एक मूवी है उसका नाम है व्हाट द ब्लिप, आप वो देखें, वो समझाता है कि दिमाग जो है उसको ना समझ नहीं आती। दिमाग एक मशीन है, उसका काम है सबकॉन्शियस स्पेशली जो दिमाग है वो एक मशीन है कि उसको जो भी दो वो रिजल्ट क्रिएट करना शुरू कर देती है। आप उसको अच्छा डेटा देंगे अच्छा करेगा, आप उसको बुरा डेटा देंगे वो बुरा करेगा। एक जैसे प्रोसेसर, उसका काम सिर्फ प्रोसेस करना है, सोचना नहीं है, ठीक है। तो अब आपको मैं कहूं कि आंखें जरा बंद करें, आंखें बंद करें जरा, और हाथी के बारे में ना सोचें, आपको हाथी नजर नहीं आना चाहिए। तो नहीं, मुझे सिर्फ जैसे हाथी नजर आ रहा है। हालांकि मैंने नहीं बोला आपको, तो दिमाग के पास ताकत नहीं है नहीं समझने की। जो सबकॉन्शियस दिमाग है वो नई नहीं समझ आता, उसको उसको सिर्फ इंस्ट्रक्शन मिलती है। तो आपने अगर बच्चे को डांटना है या समझाना है, हम बोलते हैं ये बेटा ये नहीं करो, वो वही करता है जाके। वो क्यों करता है? इसलिए कि उसको पता ही नहीं है कि नहीं का लफ्ज नहीं होता, और होता वही है जो उसको बोला जा रहा है, इंस्ट्रक्शन दी जा रही है बच्चे को, ये नहीं करो ये नहीं करो वही करेगा। वो क्यों? इसलिए कि आप उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं ये करो,
तो उसको वो इंस्ट्रक्शन देनी है कि ये करो। हम अक्सर बोलते हैं लोगों को ये नहीं करो, ये कर नहीं करो नहीं बताना चाहिए, ये बताना चाहिए ये करो, अच्छी बात करो, टाइम की पाबंदी करो। ये नहीं बोलेंगे टाइम पे, टाइम लेट क्यों आया, यस यू नो, नेगेटिविटी नहीं है, ये चॉइस ऑफ वर्ड्स है, ये सॉफ्टवेयर है। देखिए आप, आपने सॉफ्टवेयर एक प्रोग्रामिंग देखी थी, आप जो कुछ लिखते हैं वो कंप्यूटर वो करना शुरू कर देता है। आप ब्लैक लिखेंगे ब्लैक होगा, व्हाइट लिखेंगे व्हाइट होगा। दिमाग भी बिल्कुल उसी तरह से काम करता है। आपको जो इंस्ट्रक्शन आप दिमाग को देंगे वो प्रोसेस करना शुरू करते हैं। तो हमको अपनी जबान को कंट्रोल में रखते हुए बातें करनी चाहिए, क्योंकि हम जो बोलेंगे वो होना शुरू हो जाएगा। आपने सुना होगा दीन में है कि ये टाइम कबूलियत का होता है, ये टाइम कबूलियत का होता है, ये टाइम कबूलियत का होता है, जो बोलोगे हो जाएगा। तो आप बोल देंगे वो हो जाएगा, वो हर टाइम कबूलियत का होता है, हर मोमिन इंसान का हर टाइम कबूलियत का होता है। तो जो अच्छा इंसान होता है वो हर वक्त कुन फयकून की ताकत उसको अल्लाह ताला दे देते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने अपनी रूह डाली है, अपनी सिफात इंसानों को दी है बहुत सारी, तो उसमें से कुन की ताकत भी मैं समझता हूँ कि दी है। और जो मोमिन होता है वो स्पिरिचुअली बहुत हाई होता है, यानी उसके पास बहुत सारी ताकतें आना शुरू हो जाती हैं, और वो ताकतों में से कुन की ताकत भी होती है, और यही होता है कि हम आगे लेके जा रहे होते हैं उसको। जो आप सुनेंगे वो होना शुरू होगा, जो आप बोलेंगे वो होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए प्रोग्रामिंग होने से पहले ही, अच्छा इंसान बनने से पहले ही, खराब बनते हुए भी अच्छा क्या होता है, अगेन अच्छे और बुरे में कोई सर फर्क नहीं है सिवाय प्रोग्रामिंग के। एक आदमी है, उसको बताया गया काला रंग अच्छा होता है सारी जिंदगी, वो काले का दीवाना हो जाता है, और एक आदमी को बताया गया गोरा अच्छा होता है, वो गोरे का दीवाना हो जाता है। हमारे मुल्क में बताया जाता है भी गोरे लोग जो है ना बहुत स्मार्ट होते हैं, तो हम गोरों के दीवाने हो जाते हैं। तो इसलिए ये सब इंस्ट्रक्शंस हैं, ये सब प्रोग्रामिंग है और कुछ नहीं है, मेरा ये ख्याल है। ओके तो अगर हम इसी चीज को ग्राउंड लेवल पे लेके आए, मुझे जॉब नहीं मिल रही, मुझसे खाना अच्छा नहीं बन रहा, कुछ भी हम अगर यहाँ पे हम एग्जांपल में फिट कर लें, तो क्या वाकई वो अच्छा नहीं हो रहा, या फिर क्योंकि हमने उसको कंसीडर कर दिया कि वो अच्छा नहीं हो रहा, मुझे जॉब नहीं मिल रही, मुझसे काम अच्छा नहीं हो रहा, मुझे बहुत प्रॉब्लम्स है, वट एवर, हम यहाँ पे किसी भी एग्जाम्पल को फिट कर लेते हैं, क्या वाकई ऐसा होता है, या फिर जो हमने प्रोग्राम कर लिया होता है हमें वही रिजल्ट मिलना शुरू हो जाते हैं? बस जो प्रोग्राम किया है, अच्छा प्रोग्रामिंग के अलावा एक कायनात के चलाने वाला भी तो है ना। एक तो आपके वालदे ने, उन्होंने प्रोग्राम कर दिया बेटा ये अच्छा है ये खराब है, ठीक है, लेकिन एक कायनात को चलाने वाला भी तो है, वो बीच में इंटरफेयर करता है, किस्मत आ जाती है बीच में। तो अगर आपकी टांग टूट, मेरी एक दोस्त है उन्होंने कहा कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ परवरदिगार की कि मेरी टांग टूटी। मैंने कहा है अच्छा, इसमें शुक्र की क्या बात है, आपकी टांग। उन्होंने कहा देखो 6 महीने में बिस्तर में रही तो मुझे अपनी टांग की कदर आई, अब मैं रोज 10 किलोमीटर चलती हूँ, मेरी सेहत अच्छी हो गई है, उससे पहले मैं चलती नहीं थी, मुझे अपनी टांग की कदर ही नहीं थी। जो चीज़ हमारे पास होती है उसकी कोई कदर नहीं करता, और जैसी वो चली जाती है हमारे पास से उसकी कदर आ जाती है। वैल्यू वैल्यू ही नहीं पता होती ना उसकी, क्या वैल्यू है। इसीलिए हमारे वालदेन होते हैं तो हम उनके साथ बदतमीजी करते हैं, और जब चले जाते हैं तो उनको याद करते हैं। हमारे बच्चे होते हैं तो उनको टाइम नहीं देते, बड़े हो जाते हैं तो हम याद करते हैं। हमारे कॉलीग्स होते हैं हम उनके साथ प्यार नहीं करते, जब कॉलीग्स चले जाते हैं तो उनको याद करते हैं। बॉसेस हों, पीयर्स हों, जो भी हों, टीचर्स हों, जिंदगी में जो भी हमारे पास होता है हम उसको अप्रिशिएट नहीं करते, क्योंकि होता है। आज अगर सूरज बंद हो जाए 18 घंटे में दुनिया खत्म हो जाएगी, सूरज को कभी थैंक यू नहीं बोलता कोई मुसलमान, कोई इंसान कभी नहीं बोलता, समंदर को नहीं बोलता, पानी को नहीं बोलता, हवा को नहीं बोलता। बोलना चाहिए ना भाई, हमारी इनकी वजह से तो हम हैं, अगर ये ना हो तो हम कैसे जिंदा रहेंगे, लेकिन हम थैंक यू नहीं बोलते। ओके तो ये जो इतने सारे नेगेटिव थॉट्स होते हैं, ये मुझसे नहीं होता, ये मैं नहीं कर सकती, ये बहुत मुश्किल है, ये मुझसे कैसे होगा,
और ये जितनी सारी चीजें जो सेल्फ एस्टीम को कॉन्फिडेंस को बहुत लो कर देती हैं, इसको हम मेंटली किस तरह से इन सब चीजों को ओवरकम कर सकते हैं, किस तरह से हम मेंटली इन सब चीजों से बाहर निकल सकते हैं? ये सब प्रोग्रामिंग है और कुछ नहीं है। जिस तरह से पहले एक चीज़ प्रोग्राम की है, फिर दूसरी चीज़ प्रोग्राम करनी पड़ेगी, अनलर्न करना पड़ेगा, पुरानी प्रोग्रामिंग को करना पड़ेगा। अभी आपसे थोड़ी देर पहले मैंने कहा अपना नाम बदल लें, उन्होंने कहा आपने कहा हो ही नहीं सकता, फतवा दे दिया वहीं पे। हमारी ये आपने आदतन बोला, ये आपने पहली दफ़ा नहीं किया, मैं आपको नोट करता हूँ। आप बहुत सारी चीज़ों में फतवा दे देती हैं, ये तो हो ही नहीं सकता। जैसे आपने ये बोल दिया ना नहीं हो सकता, तो टीचर टीच नहीं करेगा आपको, बताने वाला आपको बताएगा ही नहीं। क्यों? आपने तो पहली फैसला कर लिया कि नहीं हो सकता, 1 लाख रुपए महीना, ये तो हो ही नहीं सकता। आवाज आ रही है? जी बिल्कुल क्लियर है। वीडियो वीडियो कहीं फंस गई है, क्या हुआ? अच्छा जी, आ गई आवाज बिल्कुल क्लियर है, बताइए। जी। तो हम फतवा या फैसला कर देते हैं कि ये नहीं हो सकता, इसकी जगह हमें अपना अल्फाज चेंज करना है। अच्छा, ये कैसे होगा? आपने मुझसे पूछा ये कैसे होगा, मैंने कहा गूगल कर लीजिए। फिर आपने आपकी बेताबी जिस्म की दिमाग की आ गई सामने कि जी, आपने कहा जी नहीं एक काम करें, मैं आपको लिंक भेज देती हूँ, आप उसको कर लें। आपने कहा जी मुझे जो आता है मैं वो कर लेती हूँ, उसमें मैं कंफर्टेबल हूँ। तो हर इंसान को जो आता है वो उसमें क्या होता है, कंफर्टेबल होता है, हाँ, और वो क्या करना चाहता है जो उसमें वो, वही सब कुछ करना चाहते हैं जिसमें कंफर्टेबल नहीं है, जिसमें हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़े। और कंफर्टेबल किस चीज से होते हैं? दोबारा बोलिएगा। कंफर्टेबल किस चीज से होते हैं हम? जो ऑलरेडी प्रोग्राम हो चुका है जिसको कर करके हम कंफर्टेबल फील करते हैं। राइट। सो अगेन, जो चीज़ हम बार 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 करेंगे उससे हम कंफर्टेबल रहेंगे। मुझे, मैं चाय नहीं बनाता, मैंने अपनी ज़िंदगी में शायद 10 दफ़ा चाय बनाई होगी। तो मैं अपनी बीवी को जब चाय की रिक्वेस्ट करता हूँ तो मैं अंदर से कांप रहा होता हूँ, यार प्लीज़ चाय बना दो। और वो कहते हो कोई मसला नहीं, 5 मिनट चाय बना के ले आती। तो और मेरे लिए तो वो इतना बड़ा जहाज़ की तरह होता है, और मैं उसको कहता हूँ अच्छा ये फ़ोन कॉल मिला दो या इससे बात कर लो, तो वो नहीं करती। क्यों? इसलिए वो करने की आदत नहीं है, बचपन से ट्रेनिंग नहीं है। हर वो काम जो हम 100-150 दफा कर लेते हैं, हम उससे हो जाते हैं कंफर्टेबल, और जो चीज हम नहीं करते उससे हो जाते हैं अनकंफर्टेबल, क्योंकि उसकी आदत नहीं होती। तो जब जिस चीज को कर जो चीज करनी है, गाड़ी चलानी है, रेस में जाना है, भागना है, चलना है, एक्सरसाइज करनी है, नई चीज सीखनी है, किताब पढ़नी है, रीडिंग सीखनी है, राइटिंग सीखनी है, वीडियो बनानी, हर वो काम जो आज के जमाने के हिसाब से हमें करना आना चाहिए है, आप डिजिटल लिटरेसी पढ़ाती हैं, तो उसके अंदर प्रैक्टिस की जरूरत है। 2 का पहाड़ा स्कूल में कितनी दफा लिखवाते थे, पूरा लिखो भाई 100 दफा लिखना है। तो वो आपको आदत डलवा रहे थे कि ये याद कर लो, लिखना ऐसे होता है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। इसका मतलब है कि हम जिस तरह से नेगेटिव चीजों को फीड करते रहते नहीं हो सकता नहीं हो सकता, अगर हम पॉजिटिव को फीड करना शुरू कर दें हो जाएगा, मैं कर सकती हूँ कर सकती हूँ कर सकती हूँ, वो हम कर लेंगे। इसको पॉजिटिव अफर्मेशंस कहते हैं, कि हर रोज सुबह उठ के बोलना चाहिए कि मैं मेरा सबसे सबसे आसान तरीन एक लाइन याद कर लें, आज का मेरा दिन बहुत जबरदस्त गुजरेगा। आप इसको प्रिंट करके अपने बेड के साथ लगा लें, सुबह उठती सबसे पहले ये लिख के लगाना है, आप पढ़ना है, आज का मेरा दिन बहुत जबरदस्त होगा। हमारे लोग, अरे यार एक और जिंदगी का जंधड़ू हो गया, पता नहीं आज का दिन कैसा गुजरेगा, खराब ही होगा, अखबार अच्छा उठाएंगे चल उसमें नेगेटिव रहा होता खबरें है, अगर लिखेंगे। हम ग्राउंड लेवल पे बात करें कि नहीं आज क्या हो जाएगा डेली क्या होता है, तो वो जो नेगेटिविटी होती है वो कंटिन्यूअसली हिट कर रही होती है। तो इसीलिए तो मैं सराउंडिंग चेंज करने का बोलता हूँ, दोस्त चेंज करने का बोल रहा हूँ आपको, कि आप दोस्त चेंज करेंगे, सराउंडिंग चेंज करेंगे, तो अगर 100% नेगेटिविटी आ रही है, 80% नेगेटिविटी आ रही है, तो 60 हो जाएगी, 50 हो जाएगी, 40 हो जाएगी। मुल्क चेंज करें, शहर चेंज करें, कम हो जाएगी। जितना ज्यादा आप लोग पाकिस्तान में रहते हैं, पैसे नहीं कमाते, दुबई जाते हैं, मेहनत करते हैं,
ज्यादा पैसे कमा लेते हैं, अमेरिका जाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, अरबपति बन जाते हैं। क्यों? माहौल चेंज होता है वहां, वो दोस्त नहीं होते जो उनकी टांग खींच रहे होते हैं, जो उनको क्राउड मेंटालिटी में अंदर ले जाते हैं। क्राउड मेंटालिटी क्या होती है? सबसे ज्यादा मुश्किल काम है इंसान के लिए कि वो अपनी मेंटालिटी से कुछ भी कर सके। अगर आप कुछ करना चाहती हैं और आप अकेली हैं और सब लोग एक काम कर रहे हैं, आप एक कमरे में जाएं, वहां 10 लोग खड़े हों, 20 लोग खड़े हों और आप अकेली बैठ जाएं, आप देखें आपका दिल जो है फड़कना शुरू हो जाएगा, यार मैं कैसे बैठ जाऊं, सब लोग खड़े हुए थे। या 20 लोग बैठे हुए हैं, आप खड़ी हो जाएं, वो सब लोग परेशान हो जाएंगे और आपको जबरदस्ती बैठा देंगे, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, बाद में बात करना, बैठ जाओ बैठ जाओ। यह क्राउड मेंटालिटी। आजकल रमजान है, सब रोजे रखे, जो रोजा नहीं रखेगा उसकी शामत आ जाएगी। रमजान खत्म होते ही, हालांकि 30 दिन हो गए, 21 दिन में हैबिट बन जाती है, 3 से 4 दिन में नमाजें कम होना शुरू हो जाएंगी, रोजे भी गायब हो जाएंगे, वरना रोजे आप कंटिन्यू रख सकते, आदत हो चुकी थी, आप सारा साल रोजा रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन क्योंकि क्राउड नहीं, आपने अगर रोजा रख लिया रमजान से बाहर, मैंने रमजान से 1 हफ्ते पहले रोजा रखा हुआ, तो क्या रमजान तो नहीं शुरू हुआ अभी, आपने रोजा क्यों रखा है, परेशान हो जाते हैं लोग, राइट? तो क्राउड मेंटालिटी के अंदर, हमारे माशरे के अंदर, हमारा जो माशरा है वो इंडिविजुअलिटी में बिलीव नहीं करता है ज्यादा। हम लोग हर चीज फैमिली के साथ करना चाहते हैं, हर चीज हमारे, उसकी रीजंस हैं, उस पर कभी और बात कर लेंगे। तो इसलिए क्राउड जो कुछ करेगा ज्यादातर लोग वही करेंगे, क्योंकि ज्यादातर लोगों की खुद ही बहुत कम है, सेल्फ बिलीफ, अपने ऊपर यकीन बहुत कम है, तो ज्यादातर लोग वही करेंगे जो सब कर रहे होंगे, भेड़ चाल में होंगे। और जैसे ही ऐसे माशरे में आप जाएंगे जहां पर जिनकी खुद ही ज्यादा होगी, सेल्फ बिलीफ ज्यादा होगा, अपने ऊपर यकीन ज्यादा होगा, अकेले रहते होंगे, घरों में अकेले रहते होंगे, अपने 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 दुनिया में रहते होंगे, तो वहां पे आप उनको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, उनको अलग तरीके से कंट्रोल किया जाता है। हमारे माशरे में तो कंट्रोल करना बहुत आसान है, खबर उड़ा दो सब लोग रोड पे आ जाएंगे, सब आ जाएंगे बाहर, सब वही करेंगे जो सब कर रहे होते, भेड़ चाल, रैट रेस, जिधर एक चूहा जा रहा होगा सारे चूहे पहुंच जाएंगे, ठीक है? तो ये माशरा ऐसा है। So, अगर हम इस सबकॉन्शियस को अपनी मेंटल हेल्थ के साथ कनेक्ट करते हैं, डेफिनेटली जब हम नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव सुनते हैं, हम अपनी बातें शेयर नहीं करते और मेनी अदर थिंग्स, तो मोस्टली कैंसर और बहुत सारी दूसरी चीज़ें जो हैं हमें फिजिकली अपीयर होना शुरू हो जाती हैं। तो इसका क्या सोल्यूशन है, कैसे होना चाहिए, कैसे स्टॉप कर सकते हैं, इसका माइंड के साथ क्या लिंक है? अगर किसी को कैंसर हो गया तो उसका उसके सबकॉन्शियस के साथ क्या लिंक है? तो इंसान का दिल और दिमाग जब आपस में अलाइंड ना हो, जबान पे वो बात ना हो जो दिल और दिमाग के दरमियान में कोहेरेंस, इकट्ठा, एक साथ है। एक मियाँ और एक बीवी आपस में कब लड़ते हैं? जब लड़ते हैं कि जब दोनों की बातें अलग अलग होती हैं, दोनों के गोल्स अलग अलग होते हैं, दोनों की डेस्टिनेशन अलग अलग होती है। बच्चा और अब्बा, बच्चा और अम्मा जब लड़ते हैं कि एक कुछ कर रहा है एक कुछ कर रहा है, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसी तरह दिल और दिमाग जब अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे होते हैं तो लड़ाई होती है, और उस लड़ाई के नतीजे में वो इंसान खुश नहीं होता, डिप्रेशन में चला जाता है, उसको रास्ता नहीं मिल रहा होता, और फिर उसके बीमारियां शुरू होती हैं। पहले वो इमोशनल बीमारियां होती हैं, वो इमोशनल बीमारियां फिजिकल बीमारियों में कन्वर्ट हो जाती हैं, क्योंकि सब कॉन्शियस जो दिमाग है वो क्रिएट करता है ये बीमारियां कुछ चीजें हासिल करने के लिए जो उसका दिल या दिमाग मांग रहा है, इंस्ट्रक्शन ले रहा है, वो क्रिएट कर रहा है, मैं मरना चाहती हूँ, खुश नहीं हूँ जिंदगी से, मरना चाहता हूँ, बीमार हूँ, बेकार हूँ, मेरे अंदर ताकत नहीं है, तो वो सब कॉन्शियसली वो दिमाग उसके लिए वो सारी चीजें करना शुरू कर देता है, वो मर जाता है, कैंसर हो जाता है। अच्छा, एक तरफ वो जिंदा भी रहना चाहता है, एक तरफ मरना भी चाहता है, कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, तो एक जीत जाता है उसमें से। तो किसी को एक दफा तो कैंसर हो गया,
इलाज हो गया, चीजें ठीक हो जाती हैं, फिर से इलाज कैंसर नहीं हो गया। होता, कैंसर का इलाज हमारे यहाँ फिजिकली करते हैं, हाँ, इमोशनल मेरे नहीं कहने का करते। मतलब है, मेरे कहने का मतलब है, अगर फिजिकली कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो रहा है, एक दफा तो ठीक हो गया, लेकिन जो इमोशनल प्रॉब्लम है और जो माइंड के साथ वो जो प्रॉब्लम है, वो तो वही का वही है, वो चीजें फिर से रिपीट होना शुरू हो जाती हैं, तो फिर ठीक कैसे करें? जब तक इमोशंस को ठीक नहीं करेंगे, आपने आपके एक जिस्म के एक हिस्से में कैंसर हो गया, आपने उसको काट के फेंक दिया, इमोशन को ठीक नहीं किया, वो जो दिमाग तो मौजूद है, फैक्ट्री तो मौजूद है, प्रोडक्शन हाउस तो मौजूद है, वो अगली जगह कैंसर कर देगा। उसका काम ही यही है कि वो, लोग उसका काम ही यही है कि वो करे। में जाते हैं, मज़ारों पे जाते हैं, और उनका एक बिलीफ बन जाता है कि अगर हम यहाँ पे जाएंगे और मन्नत मांगेंगे और बहुत सारी चीजें जो वो करते हैं, ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, तो हमारी दुआ कबूल हो जाएगी, मन्नत पूरी हो जाएगी और बहुत सारी दूसरी चीजें होती हैं, ऐसा हो जाएगा हो जाएगा। क्या वाकई ही समझ नहीं आ रही है, अपना सवाल कैसे समझाऊं? मैं ये सब समझ कुछ गया, हमारे पूरी कर अंदर ले सिर्फ बात। सबकॉन्शियस की वजह से होता है, क्योंकि हम बिलीव रखते हैं, तो वो हमारी सब चीजें पूरी होना शुरू हो जाती हैं, या वाकई इन लोगों के पास कुछ पावर होती है जिसकी वजह से चीजें ठीक होती हैं? अब मेरी तो उनसे मुलाकात हुई नहीं जो इंतकाल कर गए, तो मैं तो बता नहीं सकता कि उनके पास कोई ताकत होती है या नहीं होती। सबकॉन्शियस किस हद तक इसमें अपना रोल प्ले करता है? मेरे ख्याल में तो सारा गेम ही इसी को कहते हैं, इसको प्लसीबो इफेक्ट कहते हैं। प्लसीबो कहते हैं कि आपने, ये पानी है, मैं इस पे दम कर रहा हूँ और फूक रहा हूँ और पी रहा हूँ, अब अल्लाह पे यकीन आ गया, बिलीफ आ गया कि जी ये पानी जो है अब नॉर्मल पानी नहीं है, अब ये होली वाटर है, अब मैं इसको पीऊंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। तो जब मैंने बिलीव कर लिया कि मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा, और अगर मैंने बिलीव कर लिया कि ये जहर वाला पानी है तो सादा पानी होगा, मैं मर जाऊंगा, सादा पानी से मर जाऊंगा, ठीक है, इसको प्लसीबो इफेक्ट कहते हैं। और ये सबसे बड़ी इंसान की ताकत होती है, प्लसीबो इफेक्ट। आप एक किताब पढ़ लें या सुन लें या देख लें, यू आर द प्लसीबो, जो डिस्पेंजा की किताब है, यू यू आर द डिस्पेंजा, यू आर द प्लसीबो। अम्मा नीचे, आई एम सॉरी। तो सबकॉन्शियस माइंड से काम कैसे लें? इंस्ट्रक्शन दें, जो आप उसको बोलेंगे हो जाएगा। कितनी दफा बोले? एक दफा बोलूं, मुझे ये करना है, हो जाएगा, एक दफा बोलने से आप, आपका बच्चा मान जाता है, मान जाते हैं। आप खुद मान जाती हैं एक दफा करने से। एक दफा करने से नहीं होता ना, देखो नमाज के लिए अजान 5 दफा दी जाती है, एक दफा करने से आप अच्छा एक काम करें, आप जो है बॉडी बिल्डर बनना चाहती हैं मिस पाकिस्तान, और आप सुबह और नीचे उठी और ऊपर आ गई और आपने वजन उठा लिया, तो आपके सारे मसल क्या चेंज हो जाएंगे, नहीं ठीक है, चलेगा, 3 महीने से लेके 1 साल तक रोजाना वो काम करेंगी तब मसल चेंज होंगे। चेंज तो होते हैं, पर एक दफा में भी चेंज होते हैं, लेकिन वो इतने नहीं होते कि नजर आ सके, इतना छोटा इम्पैक्ट होता है एक दफा करने का। कि मिसाल के तौर पे मैं आप सबको बोलता हूँ कि आप लोग फेसबुक लाइव किया करें, अपने टॉपिक पे बात किया करें, डिजिटल लिटरेसी के ऊपर बात करने से, आप हैं डिजिटल लिटरेसी की मिनिस्टर हैं, तो डिजिटल लिटरेसी के ऊपर रोज इंटरव्यू करें, तो यार एक दिन में थोड़ी असर आ जाएगा, पाकिस्तान डिजिटल लिटरेट हो जाएगा। हाँ, 365 दिन तक आप रोजाना आधे घंटे करेंगी तो गारंटीड असर आना शुरू हो जाएगा, गारंटीड। यानी बीज लगा के एक दफा पानी को पौधा दे दिया, खाद भी डाल दी, तो क्या अगले दिन पौधा निकल आएगा? पानी तो बार नहीं बार देना है, बार बार देना है, बार बार देना है, कुछ चीजें बार बार करनी है, लेकिन परसिस्टेंस और कंसिस्टेंसी के साथ, बार बार करनी है, कंसिस्टेंट होना है और देना है, डंडी नहीं मारनी बीच में। अब ये जो है वो मुश्किल का है, जैसे आदत हो जाती है ना, चाय की आदत, नाश्ते की आदत, खाने की आदत, नमाज की आदत, वजू की आदत, इस तरह आदतें डालनी होती है। मैं बार बार बोलता हूँ पाकिस्तान आदतन गरीब मुल्क है, तो हमारी जितनी आदतें हैं वो गरीबों वाली हैं। दूसरों के ऊपर इल्जाम देना, आदतन इल्जाम देते ना, अरे यार ये तो रोड टूटा है ना, ये देखना वो सारे लोग ऐसे ही खराब, आदतन बोल देते हैं, जुमला बोल देते हैं।
हम आदतन ज्यादातर काम कर रहे हैं जो प्रोग्राम हो चुका है वो कर रहे हैं। अब पहले तो उसको प्रोग्रामिंग को चेंज इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि पता ही नहीं है कि गलत प्रोग्रामिंग हुई है। ये सब जितनी बातें आज आप कर रही हैं ये कितनी दफा की हैं पहले जिंदगी में? दो दफा या तीन दफा ऐसे सबकॉन्शियस के बारे में बात करना और पता ही नहीं होता। अगर जब पता ही नहीं है कि गलत कर रहे हैं तो गलत गलत तो नहीं हुआ ना वो। हमारा काम एजुकेशन हुआ ना, हमें एजुकेट करना चाहिए। अब अगर आपके जहन में सवाल आ रहा है कि सबकॉन्शियस क्या करना होता है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, यूट्यूब पे जाना चाहिए, देखना चाहिए कि भाई ये कैसे होता है। अगर एक आदमी करोड़पति बनना चाहता है, अमीर बनना चाहता है, तो जाके लिखे ना भाई करोड़पति कैसे बनना है, अमीर कैसे बनना है। लेकिन आदत यह है कि किसी से पूछना है तो वो रेहान को ढूंढेगा, आजाद चाय वाला को ढूंढेगा, सनी को ढूंढेगा, उस्मान चुगताई को ढूंढेगा, फलाने को ढूंढेगा, खुद को नहीं ढूंढेगा। क्योंकि कभी किसी ने बताया नहीं कि आप खुद को भी ढूंढ सकते हैं। अगर आप कुछ भी ना करें ना और मेडिटेशन करना शुरू कर दें और बोलना शुरू कर दें सुबह से शाम तक कि मुझे अमीर होना है अपने आप से, तो भाई आप ख्वाब में जब बैठते हैं तो सारी यूनिवर्स आपके साथ कनेक्ट हो जाती है। सारा डेटा खुद ब खुद आएगा, ख्वाब में आ जाएगा। ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ख्वाब में आ जाएगा। करके तो देखो, किसी बिल्कुल यूट्यूब ऐसे ही की है। भी जब जरूरत हम नहीं होगी। मुझे जब हम सो रहे होते हैं तब भी हमारा सबकॉन्शियस काम कर रहा होता है, तो हम जब सो रहे हैं या सोने वाले हैं तो हम किस तरह से अपने सबकॉन्शियस को एक टास्क असाइन करते हैं कि भाई मैं सो रही हूँ लेकिन तुमने ये करना है। लूसिड ड्रीमिंग कहते हैं इसको। आप लूसिड ड्रीमिंग के बारे में पढ़ लें कि लूसिड ड्रीमिंग कर सकते हैं और आप उसको इंस्ट्रक्शन देके सो जाते हैं। अगेन मैंने कहा ना, अगर आपको एक अच्छी सी गाड़ी चाहिए, मर्सिडीज चाहिए, तो आप उस गाड़ी का फोटो निकालें, घर में लगा दें सामने। ऐसी मुझे ऐसी गाड़ी चाहिए, मुझे ऐसा घर चाहिए, मुझे ऐसी सीनरी चाहिए। सुबह उठते ही आपको नजर आना चाहिए, बार बार नजर आना चाहिए। आपको किसी भी तरह की कोई भी चीज चाहिए ना, उसको आपको नजर आना चाहिए। जब आपको नजर आएगा तो ख्वाहिश सब कॉन्शियसली चली जाएगी दिमाग में कि मुझे तो ये चाहिए। अगर आपको नई गाड़ी खरीदनी है तो आप जाएं टेस्ट ड्राइव करें गाड़ी की, स्मेल करें, क्या स्मेल है, वाह जल्दी खरीदने वाली हूँ मैं ये वाली गाड़ी। ये नहीं बोलना है कि हाँ मैं तो कभी खरीद ही नहीं सकती। आपने इंस्ट्रक्शन दे दी, आप कभी नहीं खरीद सकती। जो बोल रही है मुंह से हो रहा है, जो सोच रही है वो हो रहा है। आप क्रिएट कर रहे हैं रियलिटी, आप हैं क्रिएटर अपनी रियलिटी। बार बार ये तो हो ही नहीं सकता, कभी मेरे साथ कभी नहीं हो सकता, मैं तो हम तो गरीब पैदा हुए हैं भैया, हम तो कभी अमीर नहीं हो सकते। आप ऐसे ही रहेंगे। तो बिल्कुल ऐसे ये ही है आदत, ये आदतन बोल रहे हैं ना, क्योंकि अब्बा से भी सुना था, दादा से भी सुना था, खाला से भी सुना था, अम्मा से भी सुना था, तो आप भी यही बोल रहे हैं। अब आदत का पैटर्न तोड़ना है, पैटर्न है, एक पैटर्न है, यानी इस पैटर्न पे चल रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं। जैसे आज रमजान पैटर्न तोड़ता है ना, आदतें तोड़ता है, इतने बजे नहीं उठना है, इतने बजे उठना है, ये नहीं करना, ये करना है, ये नहीं करना, ये करना है, ठीक है ना। कल आप कहनी थी मैं रमजान में बहुत खुश हूँ, आजकल रमजान के अंदर आदतें चेंज हो रही हैं। तो क्या हुआ कि आदतें चेंज करेंगी तो एक्शन, जब हम कुछ और डालेंगे। अब आप क्या क्या चीज मजे की पकाती हैं आप? कड़ाही क्या चीज? अंडे, नहीं, चिकन कड़ाही। चिकन कढ़ाई अच्छी बनाती है। तो जितनी चीजें आपको, कोई कभी किताब पढ़ने की जरूरत होती है, मेन्यू देखने की जरूरत होती है, पढ़ाते आप टमाटर यूं उठाया डाल दिया, मसाला यूं डाल दिया, नमक यूं डाल दिया, इतनी एक्सपर्ट हो जाता है आदमी एक चीज में कि वो आदतन कर रहा होता है। अब आपको अगर दोबारा उसका टेस्ट बदलना है तो आप एक काम करें कि किसी और की वीडियो देख लें, कोई किताब की थी, किसी इंस्ट्रक्शन से फॉलो करें, तो आपकी आपने आदत तोड़ रहे हैं, पैटर्न तोड़ रहे हैं। जब आप आदत तोड़ने की आदत डाल लेंगे, आदत तोड़ने की आदत डाल लें, जिद्दी हो जाए। वो एक फिल्म है थ्री इडियट, उसमें बोलता है उल्टा करो, उल्टा करो, उल्टा करो, जो कर रहे हैं ना सब लोग उससे ऑपोजिट करें ऐसे आप। सक्सेस इज ऑलवेज ऑन द रोड लेस ट्रेवल्ड ऑन। जिस पर ज्यादा लोग ट्रैवल नहीं करते वहां ज्यादा सक्सेस होती है, लेकिन वो जाना मुश्किल होता है क्योंकि कोई नजर नहीं आ रहा होता, वहां अकेलापन होता है, लोनलीनेस होती है, उस रास्ते पे कभी कोई गया नहीं होता।
इसलिए वो मुश्किल होता है, वरना क्या मुश्किल है। अगर एक आदमी मोटरवे पे जा रहा है, सब लोग 100 के 100 वहीं के वहीं जा रहे हैं, तो इट्स इजी इजी वे, सब सबको पता है रास्ता। ओके अगर हम इस चीज को देखें कि प्रोग्रामिंग तो जो हो चुकी है वो हो चुकी है, 3 साल के बाद 4 साल के बाद प्रोग्रामिंग तो खत्म हो गई, तो अब किस तरह से हैबिट्स को तोड़ना, नेगेटिविटी, नई चीजें, रीलर्न, ये सब चीजें, अब जो सॉफ्टवेयर फिट हो चुका है वो तो हो चुका है, अब क्या करें? 90% तो चेंज नहीं होंगे, ये हो सकता है होते हो, मुझे श्योर नहीं है कितने परसेंट होता है। मैं जो ये मालूम है कि मैं वो रेहान नहीं हूँ जो 10 साल पहले था, मैं वो भी रेहान नहीं हूँ जो 20 साल पहले था। टोटली चेंज हो चुका हूँ, बहुत फर्क इंसान। तो अगर मैं चेंज हो सकता हूँ तो उसका मतलब है कि पॉसिबिलिटी है अनलर्निंग की। मैं रेहान से मुराद मेरी वो इंसान से जिसका वैल्यू सिस्टम, जिसकी सोच बहुत सारी फर्क थी। मेरी वालदा ने प्रोग्राम किया था कि भाई नमाज जो है ना जबरदस्ती पढ़वानी है। तो मैं जब 20-21 साल तक का था ना, तो मैं दफ्तर की बत्तियां बंद कर देता था और पावर बंद कर, घर की पावर बंद कर देता, सबको जबरदस्ती कान से पकड़ के नमाज पढ़ाने लेके जाता था। तो मेरी अम्मी बहुत खुश होती थी, अभी भी ताने देती हैं कि तुम जबरदस्ती नहीं करते। अब मैं इसलिए नहीं करता कि मैं समझता हूँ दीन में जबरदस्ती नहीं है, तो जबरदस्ती नमाज पढ़वा रहा हूँ तो ये अच्छा। उस वक्त वैल्यू सिस्टम ये कह रहा था कि वो मेरी रैयत है, मेरे अंडर आते हैं, तो मुझे जबरदस्ती करनी चाहिए। अब मेरा जो पहले बच्चा था उसकी पिटाई हुई क्योंकि मेरे अब्बा ने पिटाई की, तो सेकंड बच्चा हुआ कम पिटाई हुई, थर्ड बच्चा हुआ और कम पिटाई हुई, पांच छठे पे शायद एक दफा ऑलमोस्ट पिटाई हुई है, नहीं हुई है। तो जबरदस्ती इवन दो रैयत में है लेकिन जबरदस्ती नहीं करनी। अब ये एक सोच है ना, कभी कभी सही लगता है कि जी पिटाई हुए अच्छे बच्चे होते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं, जैसे आर्मी के बच्चे होते हैं ना, आर्मी वाले सुबह 4 बजे उठ रहे हैं, कैसे जबरदस्त बॉडी होती है, कैसे जबरदस्त डिसिप्लिन्ड होते हैं। तो आई डोंट नो सही क्या है, आप उसको सही समझते हैं वो करें। कभी कभी मिस करता हूँ कि डिसिप्लिन नहीं है। फिर मेरे बहुत सारे दोस्त हैं यूरोपियन, वो देखते हैं बच्चों को, कहते हैं कि आपके बच्चे तो बहुत डिसिप्लिन है, मैं सर पकड़ लेता हूँ। अच्छा, वाकई वो अपने बच्चों की तरफ देखते हैं तो उससे भी ज़्यादा बिगड़े हुए होते हैं, या वो उनको उस तरह से लग रहा होता है कि ये खराब है। हमको सबको जो हमारे करीब होता है ना वो अच्छा नहीं लगता। घास दूर की अच्छी होती है, करीब वाली घास अच्छी नहीं लग रही होती ना, क्योंकि उसमें जो ब्राउन एरियाज है ना वो नज़र नहीं आ रहे होते, आ रहे होते हैं, जबकि दूर से घास जो होती है उसके ब्राउन एरियाज नजर नहीं आ रहे। तो इसका मतलब है कि एक ऐसा स्कूल होना चाहिए जहाँ पे हम 3 साल के जिन माओं के बच्चे हों उनको क्लासेस दें और उनको सिखाएं कि 3 साल में अपने बच्चे की प्रोग्रामिंग करें, जो करना चाहते हैं 3 साल में करें। जरूर कोशिश करें, अगर आप सही समझती हैं तो जरूर कोशिश करनी चाहिए। ओके कुछ और आप कहना चाहते हैं? मेरे सवाल खत्म हो गए हैं। चलो चलो अच्छा। ऑल्दो ये बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है, इस पे तो जितनी देर बात की जाए कम है। बस बेसिकली क्योंकि इसमें ना डेटा की कमी है और हम एक ऐसे मुआशरे में रहते हैं, जैसे मैंने कहा कि हम इंडिविजुअल मुआशरे में नहीं रहते, हम एक कलेक्टिव मुआशरे में रहते हैं, फैमिली सिस्टम में रहते हैं। फैमिली सिस्टम में क्यों रहते हैं जरा गौर से समझिए। फैमिली सिस्टम में इसलिए रहते हैं कि आपके घर में कोई मसला हो गया तो आप पुलिस को फ़ोन तो नहीं कर सकते, आपको फैमिली वालों को फ़ोन करना पड़ता है। हमारे यहाँ पुलिस इफेक्टिव नहीं है, हमारे यहाँ स्टेट इफेक्टिव नहीं है। अगर आपने अपने बच्चे को थप्पड़ मार दिया तो बच्चा पुलिस को फ़ोन करके आपको बंद नहीं करवा सकता। मैं अमेरिका में जब रहता था तो मैं अपने बच्चे को एक दफ़ा मारा तो बहुत डर गया, मार के डांटा या मारा तो मैं डर गया, क्योंकि मुझे लगा कि पड़ोसी जो है फ़ोन कर देंगे पुलिस को, बच्चा आगे ले जाएगी पुलिस। ठीक है, अब यहाँ पे तो ऐसा कोई सीन नहीं होता कि बराबर वाला फ़ोन कर दे और पुलिस आगे बच्चा ले जाए आपको। तो आप अपने बच्चे के साथ वो सारा कुछ करते हैं जो आपका दिल करता है।
अमेरिका में अगर आप बच्चे को स्कूल ना भेजें तो जेल हो जाती है, सॉरी अमेरिका में नहीं, जर्मनी में आपको जेल जाना पड़ जाता है। यहाँ पे तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, कोई बात नहीं, नहीं जा रहे। तो मुआशरा जो है वो सिस्टम इस तरह का डिज़ाइन कर दिया है कुछ मुआशरों में कि आप अपने आप को उस सिस्टम में ढालना पड़ता है। मेरे एक दोस्त हैं, वो अपनी फैमिली छोड़ के जर्मनी से अमेरिका चले गए। उन्होंने कहा मुझे बच्चों को घर में पढ़ाना है, तो स्कूल इजाज़त ही नहीं है कि घर में पढ़ा सकते हैं, आपको ज़बरदस्ती स्कूल भेजना होगा, तो होम स्कूलिंग ही नहीं कर सकते, अमेरिका में अलाउड है तो अमेरिका चले गए। सो हमारा मुआशरा जो है वो फैमिली पे डिपेंडेंट है, ट्राइब्स, ट्राइबल कम्युनिटी हैं हम अपने कबीलों पे डिपेंडेंट हैं बहुत ज़्यादा। हमारी जो भी फैमिली होती है वो हमारे लिए बहुत सारे काम आसान कर देती है। भाई ये काम कर देता है, मामू काम कर देते हैं, ताया कर देते हैं, पप्पी कर देती हैं, मामू कर देते हैं। अमेरिका में भी करेंगे, जर्मनी में भी करेंगे, लेकिन कम करेंगे क्वांटिटी में, उनकी अपनी अपनी सबकी ज़िंदगी होती है। तो इसलिए इस माशरे में रहते हुए आप अपनी मर्जी लिमिटेड चला सकते हैं, और उसकी वजह से दिल और दिमाग की लड़ाई शुरू हो जाती है। दिल कुछ और चाह रहा है। अच्छा, माशरा तो फर्क है, और एजुकेशन हमारी जो यूट्यूब से हुई है, ड्रामों से हुई है, टीवी से हुई है, किताबों से हुई है, उसने दिल को कुछ और बना दिया। ठीक है, रियलिटी बिल्कुल हमारी ऐसे चेंज नहीं ही हुई है। अप्लाई कर रहे हैं हम अमेरिका का मॉडल पाकिस्तान पे, तो उसकी वजह से माशरे में कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, डिप्रेशन क्रिएट हो रहा है, क्योंकि जो इर्तिका या एवोल्यूशन कल्चर का हो रहा है वो इतनी स्पीड से हो रहा है कि अनबिलीवेबल स्पीड पे चेंज आ रहा है। 4 साल पहले, 3 साल पहले कोई सेल्फी नहीं खिंचवा सकता था, आज हर आदमी सेल्फी लगा रहा है। 4 साल पहले कोई एक लड़की को मैं नहीं जानता था जो हिजाब करके भी मेरे साथ फेसबुक लाइव आने को तैयार हो, आज दर्जनों बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं। एक 4 साल में ना, ये एक एवोल्यूशन हो गया, कल्चर चेंज होना शुरू हो गया। मेरी अम्मी जो कि एक्सट्रीम हिजाबी हैं, कहती बना लो वीडियो, पहले नहीं बनाने को तैयार थी। ठीक है, तो टेक्स टाइम, एवोल्यूशन हो रहा है, लोग डरे हुए हैं, और आहिस्ता आहिस्ता कुछ लोग तब्दीली ला रहे हैं, और उनको देख के और लोग तब्दील हो रहे हैं, उनको देख के और लोग तब्दील हो रहे हैं। तो तब्दीली लीडरशिप जो है वो एक से शुरू होती है, दो बनते हैं, दो से चार बनते हैं, चार से आठ बनते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी जिंदगी में गिनती के लोगों के साथ अपना साथी बनाया था, शुरू के 20 साल में। जितने भी नबी हैं, आप हजरत नूह अलैहि सलाम को देखें, 7 फैमिलीज थी टोटल, 900 साल में, 900 साल में 7 7 फैमिली को कन्विंस कर पाए, अपना सगा बीवी और सगा बेटे को कन्विंस नहीं कर पाए कि आप सही हैं। हजरत नूह नबी थे, उन तक के पास ये ताकत नहीं थी कि अपने मियाँ अपनी बेगम को आइडियोलॉजी चेंज कर सकें। हम और आप किस खेत की मूली हैं? ठीक है, तो और वो 900 साल लगे फिर भी नहीं कर सके। तो याद रखें कि अच्छा, उस जमाने में भी एवोल्यूशन आ रहा है, चेंज आ रहा है, कम्युनिटी कुछ तो हो रहा है ना। तो आज और ज्यादा और तेजी से हो रहा है मुझे लगता है, और जिसकी वजह से बहुत ज्यादा लोग अब एक तो सामने भी आते हैं, नजर भी आते हैं, तो बहुत कंफ्यूजन, डिप्रेशन, मेंटल इलनेसेस, चैलेंजेस, इंफॉर्मेशन का बहुतात है। अब एक आदमी को एक सब्जेक्ट के बारे में नहीं मालूम, वो 1 घंटा यूट्यूब पे बैठ जाए, उसके बाद वो एक सारी जिंदगी जितने लोगों को इल्म नहीं होता था उससे ज्यादा इल्म 1 घंटे के बाद एक बच्चे को हो जाता है, कोई भी सब्जेक्ट उठा ले। तो जब इल्म आ गया और वालदैन के पास इल्म नहीं है, बच्चे के पास ज्यादा इल्म है, तो कॉन्फ्लिक्ट तो आएगा। वालदैन जो है यूट्यूब चलाने को तैयार नहीं है, इंटरनेट चलाने को तैयार नहीं है, फेसबुक को बुरा मान रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, तो क्या होगा? दो अलग अलग मुतसादम लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी, तो मुआशरे के अंदर रोना धोना बढ़ जाएगा कमरे के अंदर अकेले। इस सारे ओके को डील करने के लिए मेडिटेशन एक ऐसी चीज है जो आपके दिमाग को आपके कंट्रोल में देती है। और जब अभी मैंने आपको बोला ना, दिमाग और दिल की लड़ाई है, दिमाग अपनी मर्जी चला रहा है, दिल अपनी मर्जी चला रहा है, तो दिमाग को अगर आपने अपने कंट्रोल में कर लिया, या कॉन्शियस और सब कॉन्शियस को थोड़ा सा अपने कंट्रोल में कर लिया,
तो दिल की बात ज्यादा मानने लगेंगे आप, और आपके अंदर वो शक्ति, ताकत, पावर आ जाएगा, जिसकी वजह से फिर आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप लोगों को फेस कर सकेंगे, आपकी खाल मोटी हो जाएगी, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा और आप कि कोई क्या कहता है, और आप अपने तरीके पे मजनूओं की तरह चलना शुरू हो जाएंगे। इसलिए मेडिटेशन एक अच्छा टूल है। दिल कंट्रोल से बाहर है, कहते हैं बड़े कि दिल में अल्लाह रहता है, तो हम बनाने वाले को तो कुदरत नहीं रख सकते बदलने की। दिमाग एक ऐसा पुर्जा है जिसके ऊपर हम अपने कंट्रोल रखते हैं थोड़ा सा, वो भी उसको थोड़ा सा से थोड़ा सा, अगर 1% रखते हैं तो 1.2% भी हो गया तो बहुत बड़ी ताकत हो गई ना। कॉन्शियस ओके ओके ब्रेन जी की स्पीड जो जी है बताइए 99% स्लो है असबकॉन्शियस से। सबकॉन्शियस सुपर पावर मशीन है, और कॉन्शियस ब्रेन जो है बहुत हल्की मशीन है। प्रोसेसिंग भी स्लो है, मेमोरी भी कम है, चीज़ें भी कम है, लेकिन जो सबकॉन्शियस है बहुत ताकतवर है। जैसे अगेन क्लाउड की एग्जांपल है आज के ज़माने में, तो मैंने शुरू में कहा कि मुझे नहीं मालूम सबकॉन्शियस हमारे यहाँ रखा हुआ है फिजिकली या एंटीना के थ्रू हम कनेक्ट हुए हैं कहीं। जैसे फ़ोन कनेक्ट हुआ है तो हमें नज़र तो नहीं आ रहा, डेटा कहाँ है? डेटा यहाँ है ही नहीं, सारा क्लाउड में रखा हुआ है। तो दिमाग के अंदर एंटीना हमने डिस्कवर हो सकता है ना किया अभी तक। मेरा बिलीफ है, बिलीफ प्रूफ नहीं है, कि हम सब इंसान आपस में कनेक्टेड हैं, हम सब एक दूसरे से बगैर बोले बात कर सकते हैं, हम एक सब एक दूसरे से नॉलेज एक्सचेंज कर सकते हैं, लेकिन हमको गूगल करना नहीं आता जैसे हमारी दादियों को गूगल करना नहीं आता। कि नॉलेज तो है, इंटरनेट में मौजूद है, गूगल करना नहीं आता कि नॉलेज को निकालें कैसे। इसी तरह से इंसान को भी कनेक्टेड तो है वो आपस में, लेकिन आता नहीं है कि एक दूसरे से बातें कैसे करें, एक दूसरे से नॉलेज कैसे एक्सचेंज करें। ठीक है, यह स्पिरिचुअलिटी की दुनिया शुरू हो जाती है जब आप मेडिटेशन करते हैं तो, और अपने चक्रा सातों खोल लेते हैं, तो फिर आपको कुछ ताकतें मिल जाती हैं जिससे आपका दिल ज्यादा ताकतवर होने लगता है, या जो भी चीज़ है वो ताकतवर हो जाती है, जिसकी वजह से आप फिर आपको वो पर्दे हटना शुरू हो जाते हैं आपके पास से, जो अगेन जो आपको गूगल करना नहीं आता, कोई गूगल करना सीख ले तो पर्दे हट गए, किसी को यूट्यूब का पता नहीं है यूट्यूब करना शुरू कर दिया पर्दे हट गए। इसी तरह से हमारा जो इसको ईथर कहते हैं, ये जो जगह होती है जहाँ से सब कनेक्टेड होते हैं, इसको ईथर कहते हैं, ETHER, जैसे ईथरनेट होता है इंटरनेट का कनेक्शन, इसी तरह इसको ईथर कहते हैं। और इस ईथर के जरिए हम तमाम ह्यूमंस, तमाम कायनात आपस में कनेक्टेड होती है, और उससे हम एक्सेस कर सकते हैं नॉलेज की। और बहुत सारे जो सूफीज होते हैं, स्पिरिचुअल टीचर्स होते हैं, उनको ये चीज़ें मिलना शुरू हो जाती हैं, इसलिए वो गाइड कर सकते हैं ऐसी चीज़ों के बारे में जो नॉर्मल लोगों को समझ नहीं आती ये क्या हो रहा है। ऐसा ही है कि मैं एक लास्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे करना चाहूंगी, जहाँ पे आपने माइंड की बात की है। जितने भी लोग रिटायर्ड हो जाते हैं या 50 को क्रॉस कर जाते हैं, उनको लगता है कि अब तो जिंदगी खत्म हो चुकी है, अब तो 50 60 के बाद बोनस टाइम है जो हम लोग स्पेंड कर रहे हैं। सो वेट करते हैं कि कब हम लोग अल्लाह को प्यारे हो जाए। फिजिकली तो वो थक चुके हैं, लेकिन दिमाग तो नहीं थका। दिमाग तो वही है वैसे ही, बल्कि ज्यादा विजडम, ज्यादा उस तरह से काम कर रहा है। तो जो 50 60 प्लस लोग हैं, वो अपने माइंड को किस तरह से यूज करें, किस क्या करें वो 50 60 के बाद? देखिए 60 के बाद प्राइम मिनिस्टर बनने की उम्र शुरू होती है, तो आप कहें किसी 50 के बाद 60 के बाद रिटायर हो जाते हैं, तो वो उनकी अपनी अगेन उनके दोस्त ऐसे हैं ना जो बुढ़े हो गए हैं। मैं तो तकरीबन 50 साल का हूँ, मैं तो सीख रहा हूँ, अभी भी सीख रहा हूँ। तो आपके अगर दोस्त ऐसे होंगे जो बदलने वाले होंगे तो आप बदलेंगे, जिन पे आपको भरोसा है, ट्रस्ट है। एक चीज जहन में रखिए, हमारे कौम, हमारी नेशन के अंदर बहुत बड़ा डेफिसिट जो है वो पैसों से ज्यादा ट्रस्ट का है। एक आदमी दूसरे आदमी पर ट्रस्ट नहीं करता। एक कबीला, एक ट्राइब, एक फैमिली
गुज्जर जो है वो शेख पे ट्रस्ट नहीं करेगा, मेमन जो है वो चिनियोटी पे ट्रस्ट नहीं करेगा, वगैरह वगैरह। ट्रस्ट मिसिंग है। दोस्त के बगैर आप किसी से सुनना भी नहीं चाहते कोई नई बात। आप अपने फ्रेंड सर्कल में, फेसबुक पे, जिंदगी में कोई नया आदमी भी नहीं ऐड करना चाहते। ऐसे ही है, लोग नाराज होते हैं ना, क्या है फेसबुक के ऊपर आपने अजीब अजीब से लोग ऐड करा दिए। क्यों बिल्कुल नाराज ऐसे ही होते हैं? होता है। इसीलिए होते हैं कि वो ट्रस्ट नहीं करते। द मोमेंट आप ट्रस्ट इस्टेब्लिश कर दें, जब मैं ग्रुप बनाता हूँ किसी के साथ आप लोगों का, तो वो ट्रस्ट इस्टेब्लिश हो जाता है। मेरा ट्रस्ट जो वो मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, वो ट्रस्ट ट्रांसफर हुआ आपके पास। अब आपने अगर मिस कमिटमेंट करी तो मेरा ट्रस्ट भी खराब हो गया कि ये तो इसकी टीम का बंदा है। ये गौर से सुनिएगा कि आप मेरे जितने साथ लोग काम करते हैं, जब भी वो कोई गलती करते हैं तो ट्रस्ट उनका खराब नहीं होता, ट्रस्ट मेरा खराब हो जाता है। तो जब मेरा ट्रस्ट कम कम हो जाएगा तो वो फिर काम हो गया ही नहीं। जो जो ट्रस्ट मैंने 20-25 साल लगा के स्टैब्लिश किया है, मैं ट्रांसफर करता हूँ। मैं अपने फ्रेंड्स आपको देता हूँ, मैं आपको ट्रस्ट स्टैब्लिश करा रहा हूँ। ओके, रेहान का दोस्त है, ठीक होगा, ऐड कर लो। तो वो ट्रस्ट खराब कर देते हैं हम, और उसके नतीजे में मुआशरा कुछ नया सीखना नहीं चाहता। क्यों? ट्रस्टेड लोग नहीं है। मौलाना तारिक जमील पे ट्रस्ट स्टैब्लिश हो गया तो वो जो बोलेंगे ज्यादातर लोग चुप करके एक्सेप्ट कर लेंगे। एक सही हदीस मिल गई, ट्रस्ट है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर, कबूल कर लेंगे चुप करके। कुरान शरीफ में कोई आयत आ गई, ट्रस्ट कर लेंगे खामोशी के साथ कि टीचर है हमारा, बोल रहा है, हमारा दीन है, चुप करके फॉलो कर लो, क्वेश्चन नहीं करो। तो आपने ईगो का पूछा था, फायरवॉल का मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी। तो फायरवॉल में बटन्स होते हैं, उन बटन को आप दबा दें, वो कहता है ये ट्रस्टेड साइट है। तो ट्रस्टेड साइट जो होती है उसको आप खामोशी से एक्सेप्ट कर लेते हैं। फायरवॉल या सॉफ्टवेयर वहां पे कुछ रोकता नहीं है किसी को, खामोशी से एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, अनट्रस्टेड साइट जो होता है वहां चैलेंज आ जाता है। So, जितने भी ट्रस्ट 50-60 स्टैब्लिश, केसेस इसी हैं, आपका जो जवाब है कि बड़ी उम्र के लोग मरने की दुआएं क्यों कर रहे होते हैं, वो इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि उनकी जिंदगी में कोई नया मसाला नहीं आ रहा, कोई नई रंगीनी नहीं आ रही, कोई नई इंफॉर्मेशन नहीं आ रही, कोई नया इल्म नहीं आ रहा। वो कहाँ से आएगा? उनके कोई ट्रस्टेड जितने बाबे थे, बुढ़िया थी, आंटियां थी, वो कुछ नया नहीं सीख रहे। तो जो नाइन्टी सोर्स परसेंट है, तो जी 90% तो जो इस तरह के ट्रस्टेड बाबे होते हैं, दोस्त होते हैं, वो भी गुजर चुके होते हैं, क्योंकि उनकी भी मेंटेलिटी यही होती है कि 60-70 के बाद बोनस लाइफ है। राइट। तो जितने आपको अच्छे लोग मिलेंगे, बड़े उम्र के लोग मिलेंगे, और जो चहकते हुए मिलेंगे, वो कहेंगे मैं नौजवानों में बैठना उठना पसंद करता हूँ, क्योंकि जिसके दरमियान में बैठेंगे उठेंगे वैसे हो जाएंगे। उनसे सीखेंगे, नौजवानों के अंदर नेचुरल सीखने की ताकत होती। छोटा बच्चा है, आपके बच्चे की क्या उम्र है? 3 साल है, राइट? 5? 3 साल, लेट्स से 3 साल। तो 2 से 3 साल का जो बच्चा होता है वो हर नई चीज की तरफ लपक के भागता है, और 30 साल का जो बच्चा होता है वो हर चीज की तरफ से दूर भागता है। वो उस लपकने के करीब जाने के बजाय दूर भागना शुरू हो जाता है। भाई नहीं 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 शुरू में आप लपक के जा रहे होते हैं उसके पास। हमारे अम्मा अब्बा ने सिखा दिया, नहीं 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 करो, तो उसने सीख लिया, नहीं 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 करो। उसके बाद जब प्रोग्राम हो गया तो कह रहे यार नई चीज नहीं करते। भाई प्रोग्राम्ड है, वो बताया है कि नई चीज नहीं करो। हो नहीं, करीब नहीं जाओ उसके, करीब नहीं जाओ उसके, करीब नहीं जाओ, तो क्या करे? तो इसका मतलब है कि 50 के बाद भी सिर्फ माइंड गेम होती है, और समटाइम्स तो ऐसा होता है कि जो लोग वो डिसाइड कर लेते हैं 65 के बाद मैं नहीं बचूंगी, या फिर 70 के बाद मैं नहीं, और वो बाकी उन लोगों की डेथ हो जाती है। ऐसा ही है। तो आपको चाहिए कि जितने भी लोग 70 साल के मर्द हैं उनकी शादियां कराया करें 30 साल की खवातीन से, वो नौजवान हो जाएंगे। इसके अलावा और कुछ आप कहना चाहेंगे? बस बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपॉर्चुनिटी दी, मुझे भी सीखने को मिला।
और मैं होप करता हूँ कि और लोग भी सीखेंगे हमसे। जो जो गलतियाँ हुई हों मुझसे खास तौर पे, काइंडली कमेंट में बताइएगा कि ऐसे नहीं ऐसे है, और वीडियो बना दीजिएगा कि ये ऐसे नहीं ऐसे काम करता है, जाके हम भी सीख सकें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू राबिया, अस्सलाम वालेकुम।